देखो ये 1981 का क्वेश्चन है, एडवांस का, एडवांस लिखना भूल गए, एडवांस का ही क्वेश्चन है 1981 का। कह रहा है लेट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसीबी इन एपी, ठीक है। तो पहले यहां तक सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एंगल 180 डिग्री के बराबर। अगर एबीसी एपी में है तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो होता है वो टू एंगल बी के बराबर। इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो एंगल थ्री एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब एंगल बी जो है हमें कितना डिग्री मिला, 60 डिग्री मिल गया। क्लियर। अब आप देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 60 डिग्री मिल गया, ठीक है। ये आपका बी है, ये सी है, ये मान लो एंगल सी है। आप लिख सकते हो ना सी अपॉन, इसको थीटा कर लो, सी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन 60। ये तो आप पढ़े होंगे ट्रायंगल में, ठीक है। अब यहां से देखो बी बी अपॉन सी कितना दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन बी इंटू साइन 60, विच इज इक्वल टू, देखो बी अपॉन सी रूट थ्री बाई टू, और सी अपॉन बी करेंगे तो कितना, रूट टू बाई रूट थ्री, और साइन 60 कितना होता है, रूट थ्री बाई टू, ठीक है। कट गया ये, 1/√2 आया, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपको, 45 डिग्री, मतलब एंगल सी कितना है, 45 डिग्री। आपसे कौन सा पूछ रहा है, एंगल ए पूछ रहा है, एंगल ए इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो बी और सी का वैल्यू पता है, तो एंगल ए क्या हो गया, 180 माइनस 60 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। ये 105 बन गया, 180 में से 105 किया तो 75 डिग्री, तो इसका करेक्ट आंसर क्या कौन सा हुआ, 75 डिग्री, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन था।